रातू उतरी में जो शिक्षा का जो व्यवस्था है, जो पुस्तकालय का, हर पंचायत में पुस्तकालय का भी निर्माण करा करके उसमें युवाओं और छात्र छात्राओं के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। चूंकि अभी जो पंचायत चुनाव है इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रत्याशी जातिगत भावना को और विद्वेष फैलाकर चुनाव में आना चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं विभिन्न दलों से समर्थित उम्मीदवार हैं जो मार्केट में आ रहे हैं। और निर्मला भगत जी का जहां तक परिचय है, एक पढ़ी लिखी सुलझी हुई महिला हैं, और शुरू से इन्होंने या तो अपने नैहर में या ससुराल में इस परिवेश को देखा है कि कैसे गरीब जनता एक एक बुनियादी सुविधा के लिए मोहताज है। वीरेंद्र भगत वो अच्छा काम ही कर रहे थे, सभी समाज से जुड़ रहे थे, जुड़ के ही काम करते थे, इसीलिए हम लोग का सोच है कि निर्मला भगत भी वैसी ही काम करे, बोल के हम लोग उसके पीछे पड़ते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की चुनावी यात्रा में अब इस वक्त में राजधानी रांची से लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर रातू उत्तरी प्रखंड के मुर्गू गांव में आदिवासी समाज के ऐसे शख्स जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज के नाम कर दी, अपने जीवन का, अपने जिंदगी का एक एक क्षण आदिवासी समाज को दे दिया, उनके कल्याण के लिए दे दिया, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए उनकी धर्मपत्नी, जी हाँ मैं बात कर रही हूँ सरना रत्न स्वर्गीय वीरेंद्र भगत की, उनकी पत्नी निर्मला भगत आज रातू उत्तरी से जिला परिषद सदस्य के लिए उम्मीदवार बनी है और हमारे साथ है, ये जनसंपर्क में थी, हम इनसे मिलने आए हैं। क्या क्या इनके काम है जिनको ये करना चाहती हैं, चूंकि समाज के लिए भी इन्होंने बहुत कुछ काम किया है, सामाजिक कार्य से ऊपर उठ के आज ये जिला परिषद के लिए अपने खुद को नॉमिनेट की है, तो इनसे हम बात करेंगे कि इनके क्या क्या लक्ष्य हैं समाज को और साथ ही इस पूरे इलाके को क्या ये करना चाहती हैं। मैडम आपका स्वागत है हमारे चैनल में, आप ये हमें बताइए कि आप तो समाज के लिए काम करती ही थी, लेकिन क्या सोच के आपने जिला परिषद के लिए खुद को नॉमिनेट किया है? मेरा केवल नहीं, पूरे समाज का, पूरे समाज के लोग मेरे में, जैसे वीरेंद्र भगत मेरे पति थे, उनका सोच था पूरे समाज को एक साथ लेके चलना, और अभी वो नहीं हैं, नहीं रहते हुए सभी को कमी महसूस हो रही है और सभी समाज के लोग मुझ में विश्वास करके हमें इस मैदान में उतारे हैं और सभी का उम्मीद और विश्वास है, उस उम्मीद और विश्वास के साथ मैं उस वीरेंद्र भगत के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए मैं इस मैदान में दौड़ी हूँ। अच्छा, आपके गांव की कोई ऐसी हमें समस्या बता सकती है जो एकदम प्रमुख समस्या है? गांव में तो एक समस्या नहीं है, बहुत सी समस्या हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, नली, बिजली, बहुत सा है, एक समस्या का निदान नहीं हो सकता, ढेर सारी समस्याएं हैं। अगर आप जिला परिषद बन जाती है तो इन समस्याओं को कैसे दूर करेंगे? एक एक करके सभी समस्या को पूरा करने का कोशिश करूंगी। जब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि निर्मला भगत तो समाज सेवी है, वो इस हमारे प्रखंड को कैसे संभाल पाएंगी, उनको क्या जवाब देंगे आप? देखिए, समाज सेवा एक समाज के ये तक रहता है, लेकिन मेरे पति वीरेंद्र भगत जो थे वो एक समाज को लेके नहीं चलते थे, एक समाज के साथ नहीं रहते थे, सभी समाज के लोगों के साथ रहते थे, सभी समाजों को लेके चलते थे और सभी के साथ वे कंधे से कंधे मिला के चलते थे, बस उन्हीं के सपनों का अधूरा को पूरा करने के लिए पूरे समाज मिल के हमें इस जगह पे लाने का कोशिश कर रहे हैं। एक बात हम कहना चाहेंगे कि जब दादा थे उस समय नशा पे हमेशा बात करते थे कि जो बच्चे और जो युवा पीढ़ी है जो अभी नशा में लिप्त हैं उनको छुड़ाने की हमेशा बात करते थे, आप इस क्षेत्र में क्या काम करेंगे? दादा के नहीं रहते, अभी नहीं हैं, तो भी मैं कहीं कहीं बात रखती हूँ और मैं कोशिश करूँगी उस नशा ये पान से दूर रहने के लिए बात रखूँगी। वो तो बच्चों का ये है कि वो क्या कर सकते हैं, लेकिन उसको तो मार के नहीं करूँगी, लेकिन बात से, विचार से तो ज़रूर उनको ये करूँगी, समझाऊँगी। बिल्कुल, हम ये पहली ऐसी, मैंने बहुत सारे इस पंचायत चुनाव में बहुत सारे गांव का दौरा किया है और पहली बार मैंने इतनी भीड़ देखी है कि किसी प्रत्याशी के पीछे इतनी ज़्यादा भीड़ है और हर एक के हाथ में पर्चा, और सिर्फ प्रत्याशी ही नहीं उसके साथ जितने भी लोग हैं वो भी पर्चा बांट रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। दादा, सभी के हाथ में पर्चा है तो क्या लग रहा है, प्रत्याशी सिर्फ ये है लेकिन आप लोगों ने जो कदम से कदम मिलकर इनका साथ आप लोग दे रहे हैं, क्या लग रहा है कि दादा के सपनों को पूरा करने के लिए जो निर्मला भगत ने कदम उठाया है उसको आप सभी का सहयोग रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो हम आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप हमारे बीच आकर के हमारा जो भी विचारधारा है
उसको जन जन तक पहुंचाने का आप काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। हम लोगों का एक ही विचार है कि जिस तरह से भगत जी में आदर्शता भरा हुआ था, उस आदर्श को है ना निर्मला भगत का कंधा में इनका इनको सरताज दे करके है ना ले करके हम लोग जन समाधान के लिए, जन समस्या के लिए हम लोग इनको लाएंगे, और जितना भी जनता का समस्या होगा है ना उसका समाधान करने के लिए ये आगे आएंगे। हम लोगों को विश्वास है जिस तरह से भगत जी का जो आदर्श भावना था है ना, उस आदर्श को केवल 10 पंचायत नहीं, हम लोग का जितना लंबा मुहिम हो सकता है हम लोग आगे लेकर के बागडोर को लेकर के चलना चाहता हूँ। और मैं तो क्या कहूँ, एक श्रृंखला के रूप में मतलब समस्त भारत देश को ही हम लोग चाहेंगे कि एक आदर्श का परिचय देंगे, हम लोग ये कहना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ महिलाएं हैं उनसे भी हम बात करेंगे। दीदी कितना बजे प्रचार के लिए निकलते हैं? हम लोग 9 बजे निकल जाते हैं। 9 बजे और आप लोग तो चलते नहीं है, सिर्फ दौड़ रहे हैं, देख रहे हैं, दौड़ दौड़ के पर्चा बांट रहे हैं। हाँ, हम लोग दौड़ दौड़ के ही बांट रहे हैं। क्या लग रहा है, एरिया बड़ा है, पूरा नहीं कर पाएंगे? पुराने तो पढ़ते हैं, सकते हैं। अच्छा, अब पुराने सकते हैं, लेकिन हर गांव में हम लोग पूरा के पर्चा बांट के पुराएंगे बोल के दौड़ते हैं। अच्छा, आप लोग हर घर जा रहे हैं, दूरे दूरा जा रहे हैं? जा रहे हैं, जा रहे हैं। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि निर्मला भगत ही आपके लिए सही होगी, बाकी उम्मीदवार उतना अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, निर्मला भगत अच्छा काम कर पाएंगे, ऐसा क्यों आपको लगता है? हमको लगता है कि उसके पति थे वीरेंद्र भगत, वो अच्छा काम ही कर रहे थे, सभी समाज से जुड़ रहे थे, जुड़ के ही काम करते थे, इसीलिए हम लोग का सोच है कि निर्मला भगत भी वैसे ही काम करे बोल के हम लोग उसके पीछे पड़ते हैं। निर्मला भगत के साथ सिर्फ एक वर्ग या सिर्फ हम कह ले आदिवासी समाज सिर्फ उनके साथ नहीं है, बाकी यहाँ जितने भी समाज के लोग हैं उनके साथ प्रचार में हैं। एक भाई हमारे साथ है, क्या नाम है सर आपका? चिंटू मिश्रा। चिंटू मिश्रा जी, मिश्रा जी आप हमें बताएं कि निर्मला भगत ही क्यों इस पद के लिए आपको सही लगती है? निश्चित तौर पर ये जो चुनाव हो रहा है ये गाँव की सरकार के लिए चुनाव हो रहा है, और इसमें ऐसे प्रतिभावान लोग आने चाहिए चुनकर जो क्षेत्र का समुचित विकास करने में सक्षम हो। और निर्मला भगत जी का जहाँ तक परिचय है, एक पढ़ी लिखी सुलझी हुई महिला हैं, और शुरू से इन्होंने या तो अपने नैहर में या ससुराल में इस परिवेश को देखा है कि कैसे गरीब जनता एक एक बुनियादी सुविधा के लिए मोहताज है, कैसे लोगों के बीच में समस्या है, उन सब चीज़ों से ये रूबरू हैं, और इनको किसी चीज़ को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे ही प्रतिभावान जो प्रत्याशी हैं उनको हम लोग को चुन कर भेजना चाहिए ताकि गांव का सरकार मजबूत हो सके। और चूंकि अभी जो पंचायत चुनाव है इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रत्याशी जातिगत भावना को और विद्वेष फैलाकर चुनाव में आना चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं विभिन्न दलों से समर्थित उम्मीदवार हैं जो मार्केट में आ रहे हैं। मैं अपील करना चाहता हूँ जनता से कि ये लोकसभा विधानसभा की चुनाव नहीं है, अगर इसमें आप कहीं ना कहीं किसी दलगत भावना से जुड़कर अपना प्रत्याशी का चुनाव करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर आप एक कड़ी से बंधने का काम कर रहे हैं। यह स्वतंत्र होकर चुनाव फेस करने की आवश्यकता है, और अपना सरकार चुने, अपना गांव का सरकार चुने, इसमें किसी के दबाव में ना आए। और हम लोग चाहते हैं कि जैसे वीरेंद्र भगत दादा जो थे, हमारे स्वर्गीय दादा थे, उनका जो सोच था कि सभी जाति सभी वर्ग के गरीब अमीर जो ऊंचे नीचे जो भी हैं सभी को एक पटल पर लाकर कैसे हम लोग अपने क्षेत्र का, अपने राज्य का, अपने समाज का विकास कर सकें, ये हमारा मोटो है। हम चाहते हैं कि जो इनके स्तर से जो भी जिला परिषद में हम लोग कैंडिडेट हैं और जो भी योजनाएं सरकार द्वारा मापदंड तय है उसको हम लोग धरातल पर उतार कर एक नया परिदृश्य और उदाहरण के तौर पर हम लोग रातू उत्तरी क्षेत्र को प्रस्तुत करेंगे पूरे झारखंड में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। अच्छा, मैं यहाँ पे जो भी लोग हैं सबसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि महिला होने के नाते किसी को डाउट तो नहीं है कि अच्छा काम नहीं करेगी? किसी को डाउट है? डाउट नहीं है। डाउट नहीं है, महिला है, घर देखेगी कि अपना क्षेत्र देखेगी? ये इनका हम लोग सारे चीज़ों को देखे हुए हैं, ये मंजी हुई है, वैसा कभी नहीं कर सकती है, ये पब्लिक के साथ में ही रहती है हमेशा। अच्छा ठीक है, बाकी लोगों से भी हम बात करेंगे। आइए दादा इधर। काफ़ी पंचायत में हमने ये देखा है कि लोग बोलते हैं कि जब योजनाएं आती हैं तो जो काम आता है लाभुक से पहले बिचौलिया आ जाते हैं, पैसा मांगने लगते हैं। आपके क्षेत्र में भी इस तरह का है क्या? हमारे क्षेत्र में चाहे पूरा क्षेत्र में कहिए तो बिचौलिया का भरमार है, और हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के माध्यम से निर्मला भगत जी को हम लोग जिला परिषद में इसीलिए उतारे हूँ कि एक ईमानदार छवि का वीरेंद्र भगत की पत्नी
है और इन पर ईमानदारी कूट कूट के भरा हुआ है और सभी समाज के लोग इनको चाह रहे हैं कि ये एक जगह में आवे और भ्रष्टाचार और जितना भी यहाँ लूट खसोट भ्रष्टाचार चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो चाहे गांव घर में नली गली हो चाहे किसी का विकास का काम हो ये ईमानदारी पूर्वक निभाएगी और वैसे बिचौलिया प्रवृत्ति का लोगों को यहाँ नहीं चलेगा और हम लोग इसी उद्देश्य से इनके साथ में पूरा जोर शोर से लगे हुए हैं। सुबह उठते हैं और शाम अभी प्रचार में हाँ हम भी प्रचार में हैं और हम लोग चाहते हैं कि ईमानदार व्यक्ति आवे और गांव घर को ईमानदारी से देखे और गांव का लोग जैसे गांव का सरकार को जो चलना चाहिए यहाँ का लोग को जो सुख सुविधा मिलना चाहिए वो इनके हाथों मिले हम लोग का ही सोच है और इसलिए हम लोग इनको जिताने के लिए पूरा ताकत लगा रहे हैं और हर जनता के पास जा रहे हैं हर घर गांव जा रहे हैं हर टोला जा रहे हैं और हर घर में जाके हम लोग ये संदेश दे रहे हैं कि निर्मला भगत एक ईमानदार व्यक्ति है जो मंजे हुए हैं। इनका पति झारखंड में का पूरा देश में उनका नाम था वो कोई नाम के लिए मोहताज नहीं थे और वैसा व्यक्ति को मौका देना चाहिए यही उद्देश्य है हम लोग का। निर्मला देवी को हम लोग चुनाव जिताने के लिए हम लोग घर घर जा रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति को आप लोग लाइए मौका दीजिए जनता का सेवा करने के लिए और पूर्ण विश्वास है कि ये सेवा कर पाएगी ऐसा महसूस कर रहे हैं। संगम जी हमारे साथ हैं। संगम जब एक महिला उम्मीदवार आती है तो लोग ये भरोसा करते हैं कि ईमानदार है, पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं पे भरोसा करते हैं और आप निर्मला जी को बहुत पहले से जान रहे हैं, जब बीरेंद्र दा थे तब से उनके साथ काम कर रहे हैं। क्या लगता है इन 5 सालों में अगर जीतती हैं निर्मला भगत जी तो विकास का लेवल क्या हो सकता है? जैसे कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के माध्यम से जो पंचायती राज व्यवस्था है जो महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है उसमें जो महिला को योगदान होना चाहिए। जिला परिषद के द्वारा आज 3 यहाँ महिला परिषद प्रत्याशी हैं और हम चाहते हैं कि जैसे कि अभी रातू उतरे जो जिला परिषद उम्मीदवार हैं हमारे झारखंड आंदोलनकारी समाजसेवी समाज सुधारक जो सरना रत्न वीरेंद्र भगत जी थे जो उन्हें कायर किए जो उनका सोच था जो उनका विचार था उस सोच और विचार को आगे बढ़ाने के लिए आज रातू उतरी से जिला परिषद के उम्मीदवार निर्मला भगत जी हैं और आने वाला टाइम कार्य करेगी। आने वाला टाइम जितना आपने बोला कि क्या मुख्य काम रहेगा जितना हमें जिला परिषद जो योजना है वो धरातल पर उतरने का काम होगा और रातू उतरी में जो शिक्षा का जो व्यवस्था है जो पुस्तकालय का हर पंचायत में पुस्तकालय का भी निर्माण करा करके उसमें युवाओं और छात्र छात्राओं के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। हाँ शिक्षा पर और जितने भी जिला परिषद की जो योजना है उसको भी धरातल पे उतारा जाएगा। बिल्कुल। निर्मला जी हमें ये बताएं कि आप अपनी जनता को आपका जो क्षेत्र है उसकी जनता को वोट के लिए कैसे अपील करेंगे? एक एक घर जाएंगे और सभी को निवेदन करेंगे विनती करेंगे कि 2 नंबर में दीजिए ऑटो छाप है उसमें दीजिए और मैं उस जगह पे आऊंगी तो जितने भी जनता के बीच समस्या होगी उस समस्या का निदान करूंगी। बिल्कुल तो ऑटो को बहुत तेज रफ्तार से दौड़ना है। बिल्कुल अभी जितनी भी बातें हम लोगों ने सुनी ये बहुत ही सद्भावना की बात है कि हर वर्ग के लोग निर्मला जी को समर्थन कर रहे हैं और ये उम्मीद जता रहे हैं कि ये आएंगी तो इस क्षेत्र का विकास होगा। जो भी विकास आधा अधूरा जो छूट गया था या जो नई परिकल्पना इन्होंने सोची है उसको धरातल पर ला के आगे कार्य करना है। ये सारी चीज़ों पर लोग ये उम्मीद करके बैठे हैं और चाह रहे हैं कि इनका जो छाप है 2 नंबर ऑटो छाप है इसको तेज़ रफ्तार में चला के इनको जीत दिलाना और ये देखने वाली बात रहेगी कि मतदान के दिन लोग इनको कितना प्यार देते हैं और कितने मतों से इनको विजयी करते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से जनता इनके साथ है हर वर्ग की जनता जिस तरह इनके साथ है और डोर टू डोर जा के कैंपेनिंग कर रही है उससे ये भरोसा दिलाया जा सकता है कि निर्मला जी को लोगों का प्यार मिलेगा। फिलहाल इस वक्त के लिए जुहार रहेगा।